नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, कटिंग लेंथ के ऊपर मेरा ये दूसरा वीडियो है, मतलब कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरअप। इससे पहले मैं बनाया था कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टिरअप। तो सर्कुलर स्टिरअप का जो है कटिंग लेंथ कैसे करेंगे उसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिलिंड्रिकल कॉलम का जो है, ये सर्कुलर जो आपका जो है स्टिरअप है, और इसका जो है क्लियर कवर आपका जो है 40 mm रहेगा। 40 mm के बाद कंक्रीट फेस के बाद जो आपका जो है स्टिरअप रहेगा, और ये 8 mm डायर का जो आपका जो रेनफोर्समेंट है, और ये 900 का आपका जो ये 900 mm डायर का आपका ये कॉलम है। तो यहाँ पे मुझे देखिए क्या क्या मिल गया। क्लियर कवर हो गया आपका कितना 40 mm, और आपका जो यहाँ पे जो है बार डाया हो गया 8 mm, और कॉलम साइज हो गया आपका 900 mm डायमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए हुक कितना है, 2 hooks हो गया आपका, और एक इधर से उधर सुख, और ये 135 डिग्री आपका जो है बेंड है। ठीक है दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे है, 2 bend है और 2 number of hook भी है, तो क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 number of hook इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10 degree, ये हमको पता है, और 2 number of 135 degree बैंड, ये क्या आ जाए 2 × 3 degree, जहाँ डी आपका क्या हो गया डायमीटर ऑफ स्टिरअप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूला हो गया आपका कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरअप, कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरअप, तो ये बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, इस रिंग का सर्कमफेरेंस आपका हो गया, उसके बाद प्लस 2 number of क्या हुक, माइनस 2 number of 135 degree band। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग किस क्या कैसे निकलेगा, ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2πr। सर्कमफेरेंस ऐसे होता है 2πr ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका r हमको पता नहीं है, यहाँ पर d निकला हुआ, तो r हम जानते हैं r इक्वल टू डी बाई टू, तो d मेरा कितना है यहाँ पे 900, तो 900 से पहले हमको जो है अब d देखते हैं। देखिए d कैसे निकला, d इक्वल टू आपका हो गया 900, तो ये आपका पूरा सर्कुल सिलेंडर का d हो गया, लेकिन हमको रिंग का निकालना है ना, तो 900 माइनस दोनों साइड से कवर 2 × क्लियर कवर आपको कितना हो गया 40, माइनस फिर 2 × ½ आया 2 × 4। देखिए 900 माइनस ये 80 प्लस 8 88, ये हो गया दोस्तों आपका 812 mm। तो यहाँ से आपका डी निकल गया, तो यहाँ देखिए डी हम लिख देते हैं, तो डी इक्वल टू आपका हो गया 812 mm। ठीक है दोस्तों,
और अगर आपको डी निकल गया तो आर मेरा कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 406 mm। तो अब जो हमको निकल जाएगा इस फॉर्मूला में पुट करके निकल जाएगा ना, देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr प्लस 2 × 10d माइनस 2 × 3d। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2π का वैल्यू 3.14 इंटू आर मेरा कितना लिखा 406 निकला प्लस 2 × 10d मेरा कितना है 10 × 8 माइनस 2 × 3d मेरा कितना है 8। तो इस तरह से आपका जो है निकल जाएगा, जब आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा ये आ जाएगा आपका, पहले इसको करते हैं, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 2549.68 प्लस ये इसको करेंगे 10 × 8 कितना हो गया 80 × 2 160 माइनस ये आपका हो गया 48। जब आप इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2661.68 इतना आपका mm आ गया कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरम, जिसको आप जो है आप ये भी लिख सकते हैं 2.66 मीटर। ये रहा इतना आपका इस स्टीरम का जो है सर्कुलर स्टीरम का जो है कटिंग लेंथ होगा। इस तरह से आप डिफरेंट साइज से का भी जो है लेकर के आप जो है बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और ख़ास करके अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।